एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ, तो अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने जनवरी 2022 तक पटाखे बैन कर दिए, ठीक है, क्रैकर्स बैन कर दिए, क्योंकि पता है दिवाली आने वाली है, लोग पटाखे बजाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे एंड बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्योस हो जाएगा एनवायरमेंट के अंदर, है ना जी। तो उसी चीज को इग्नोर करने के लिए जनवरी 2022 तक क्रैकर्स को बैन कर दिया दिल्ली के अंदर। सो दैट इज अ स्टेप जो कि लेना पड़ा बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है स्पेशली दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो अगर ऐसी जगहों पे आप रहते हैं जो कि अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हैं जो कि स्पेसिफिकली पोल्यूशन ज्यादा है जहां पे, तो जिंदगी के 4 से लेके 7 साल तो वैसे ही कम कर लेते हैं। पूरी दुनिया में अगर मैं बात करता हूं, 7 मिलियन लोग हर साल सिर्फ पोल्यूशन के कारण, सिर्फ रेस्पिरेटरी कंसर्न्स के कारण मरते हैं। 7 मिलियन कितना होता है? 70 लाख, 70 लाख पीपल एवरी ईयर हर साल मरते हैं सिर्फ पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो 12,40,000 लोग 2017 के ऊपर, 2017 के अंदर मरे थे सिर्फ पोल्यूशन के कारण, 12,40,000 लोग। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, पूरी दुनिया में टॉप 30 सिटीज जो है ना, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड टॉप 30 सिटीज जो है पूरी दुनिया में, उसमें से 22 सिटीज तो सिर्फ इंडिया की ही है, 22 सिटीज आर फ्रॉम इंडिया ओनली। तो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं। तो ये सब पोल्यूशंस बेसिकली आपके जो हैं इन सब चीजों से क्रिएट होते हैं, ठीक है, गाड़ियों से, आपके व्हीकल से, फैक्ट्रीज से, है ना। जो पंजाब हरियाणा जैसे इलाकों में जहां पे ज्यादा फार्मिंग वगैरह होती है, वहां पे पराली वगैरह जलाने की वजह से, स्टबल बर्निंग करने की वजह से, वेस्ट बर्निंग करने की वजह से भी होते हैं। उसी के साथ साथ पेड़ पौधों के अंदर से जो पोलन्स निकलते हैं, छोटे 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 जो कण होते हैं ना, वो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो वो भी आसपास के एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करने का काम करते हैं पोलन्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका बाहर का पोल्यूशन, बट आपके घर के अंदर भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो पोल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे धूल मिट्टी हो गया, स्मोक हो गया, टोबैको स्मोक हो गई, खाना बनाते हैं उसकी ओडर्स हो गए, उसके पोल्यूशन हो गया, धुआं वगैरह हो गया, पेट का डैंडर, मतलब पेट के स्किन के अंदर से जो बैक्टीरियाज निकलते हैं, है ना, पेट का डैंड्रफ जो होता है, बैक्टीरिया वायरसेस जो हमारे मेजरली ज्यादा मॉइस्चर वाली जगहों पे होते हैं, तो आपके घर के अंदर भी बहुत तरीके के पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हवा में होते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट को तो कंट्रोल करना सिर्फ हमारा काम नहीं है, है ना, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो हवा है, उसको नॉर्मलाइज करने की जिम्मेदारी सबकी है, वो तो है एक सोशल वर्क है। बट अगर मैं अपने घर की बात करता हूँ, अपने घर की हवा को साफ करना, अपने घर के अंदर साफ सफाई रखना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की। और मेजरली आज के टाइम पे तो मैं ज्यादातर घर पे रहता हूं बिकॉज सिचुएशन इस तरीके की है, और वैसे भी हम ज्यादातर समय अपना घर के अंदर ही बिताते हैं। देखो लिखा हुआ है 90% ऑफ आवर टाइम इज स्पेंट इनडोर, अंदर बिताते हैं, और अंदर की हवा 2 से 5 गुना ज्यादा हानिकारक हो सकती है हमारी सेहत के लिए, क्या हम जानते हैं इस चीज के बारे में? अंदर की हवा 2 से 5 गुना ज्यादा हानिकारक हो सकती है बाहर की हवा से। कैसे? क्योंकि अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कंजेस्टेड होता है, और कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर के अंदर बैक्टीरियाज और वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं
और इसलिए बंद एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर ज्यादा ज्यादा नुकसान है क्योंकि वो कंजस्टेड है। ठीक है, आपने देखा है ना गाड़ी में जब हम बैठे होते हैं कुछ देर के बाद सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो कंजस्टेड एनवायरनमेंट है। चार लोग बैठे होते हैं गाड़ी के अंदर तो सफोकेटेड फील होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो कंजस्टेड एनवायरनमेंट है। ठीक है जी, तो इसीलिए कहते हैं कि मेजरली 2 से 5 गुना ज्यादा हानिकारक अंदर वाली हवा होती है और 90% ऑफ द टाइम्स हम इंडोर ही रहते हैं। ये भी एक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। और अगर मैं पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात कर ही रहा हूं तो एक दो पॉल्यूटेंट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं PM2.5 एंड PM10। ये साइज होता है। ठीक है, PM2.5 और PM10 के बीच में अंतर सिर्फ इतना है कि PM10 जो होता है वो PM2.5 से 4 गुना बड़ा है, बस ये अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइज बताया हुआ है इन्होंने कितना बड़ा है PM2.5 कंपैरिजन करके बताया हुआ है। तो देखिए ना एक एक जो होता है अपना सैंड मिट्टी होती है ना उसका एक कण, उसका एक जो कण होता है वो कितना होता है ये देखो इतना बड़ा होता है एक मिट्टी का कण। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको शो करूं उससे छोटा होता है इंसान का बाल जो कि आप इन्होंने मेंशन करा हुआ है। ये देखो इतना छोटा होता है इंसान का बाल मतलब पतला, उससे पतला। देखिए PM10 कितना पतला है, यहां पे देखो PM10 कितना पतला है उससे, आपके बाल के मोटाई से कितना ज्यादा पतला है PM10। और PM2.5 देखो उससे कितना पतला है। हम तो बाल एक बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं अगर कहीं पे पड़ा हो, क्या PM10 PM2.5 देख पाएंगे अपनी नेकेड आई से? आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं क्या PM10 और क्या PM2.5 हम अपनी आंखों से देख पाएंगे? द आंसर इज नो, हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो नेकेड आई से देखना पॉसिबल ही नहीं है। इंसान का बाल बड़ी मुश्किल से दिखता है और इंसान का बाल देखो कितना पतला होता है, उससे भी कितना ज्यादा पतला है PM2.5। तो और एक और चीज है कि जितना मोटा पार्टिकल होता है उतना ही, मतलब अगर मैं बात करता हूं जितना पतला पार्टिकल होता है ना, जितना छोटा पार्टिकल होता है उतना ही ज्यादा हानिकारक है वो बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि उतना ही कम पता चलता है बॉडी को। PM10 जैसे पार्टिकल्स जैसे कि धूल मिट्टी वगैरह पोलन्स वगैरह हो गए, ऐसी चीजें अगर मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेरे सांस के माध्यम से जाती हैं तो मेरी बॉडी को पता चल जाता है। मुझे छींक आती है ना, मुझे खांसी आती है, मुझे छींक आती है क्योंकि मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर शायद वो पॉल्यूटेंट्स चले गए थे जो नहीं जाने चाहिए और मेरी बॉडी ने उनको डिटेक्ट किया और छींक आ गई और कफिंग हो गई। बट PM2.5 जैसे छोटे पार्टिकल्स जो मेरी बॉडी सेंस ही नहीं कर पाती है जब उनके अंदर अंदर बॉडी के अंदर जाते हैं, सेंस नहीं कर पाते, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा हानिकारक है? PM10 ज्यादा हानिकारक है या फिर PM2.5 ज्यादा हानिकारक है? है ना, तो मेरे पास काफी सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी PM2.5 ज्यादा हानिकारक है। एब्सोल्युटली करेक्ट, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही वो ज्यादा हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए बिकॉज उतना ही कम उसको हमारी बॉडी डिटेक्ट कर पाती है, उतना ही कम डिटेक्ट कर पाती है उसको हमारी बॉडी। ठीक है जी, देखिए ना यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर ऐसी इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी के अंदर लगातार जाती रहती हैं तो ऐसी तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि
लंग्स के रिलेटेड डिजीज जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, रेस्पिरेटरी कंसर्न्स जैसे कि अस्थमा वगैरह हो गया, ठीक है, उसी के साथ साथ डायबिटीज वगैरह, प्री मेच्योर डेथ, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर हम अपनी बॉडी के अंदर इतने सारे पोल्यूटेंट्स लेके जा रहे हैं हर रोज। आजकल आप देखिए कैंसर के पेशेंट्स कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए, कैंसर कितनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट की रिलेटेड कितनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, अस्थमा जैसी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स कितनी कॉमन हो गई है आज के टाइम। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉल्यूशन के इंक्रीज होने से भी होता है? द आंसर इज यस, ये सब चीजें पॉल्यूशन के इंक्रीज होने से होती हैं। और कुछ बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे घरों के अंदर होते हैं, उनके इंक्रीज होने से भी होती हैं, जैसे कि मोल्ड एंड फंगाइज हो गया, हाउस माइट्स हो गए, बैक्टीरिया वायरसेस हो गए, पोलन हो गए, पेट डैंडर हो गया, हाउस होल्ड डस्ट हो गया, ये सभी चीजें भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करती हैं, दिक्कत आती है, ठीक है जी। सांस के माध्यम से ये सारी चीजें अगर मेरे लंग्स के अंदर जा रही हैं तो अल्टीमेटली मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही डैमेज हो रहा है इसके साथ। और उसी के साथ साथ VOCs एंड टॉक्सिक गैसेस, VOC का मतलब है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये गैसेस होती हैं, ये गैसेस के अंदर होते हैं VOCs। जैसे घर के अंदर हम एयर फ्रेशनर्स वगैरह स्प्रे करते हैं, पेंट की स्मेल हो गई, कॉस्मेटिक्स की स्मेल हो गई, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की स्मेल हो गई, वुडन फर्नीचर हो गया, उसी के साथ साथ होम फर्निशिंग हो गई, डिओड्रेंट्स हो गए, सेंट्स हो गए, मतलब कि उसी के साथ साथ खुशबू वाली कैंडल्स हो गई, कोई स्मोकिंग करता है तो घर के अंदर स्मोक हो गया, ये सब फ्रेग्रेंसेस, जो फ्रेग्रेंसेस होती है ना, इनके अंदर VOCs होती हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जो मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अंदर से डैमेज करती हैं। और आपको फील शॉर्ट टर्म पे आपको सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जैसे कि आंखों में जलन होना, नोज के अंदर इरिटेशन होना, थ्रोट के अंदर इरिटेशन होना, है ना, ब्रीदिंग शॉर्टनेस होना, सांस लेने में दिक्कत आना, नौजिया वगैरह, फिर चक्कर वगैरह आते हैं, ठीक है, हेडेक होता है, फटीग होता है, डिजीनेस फील होती है, ये सब चीजें अगर फील होती हैं तो इसका मतलब है, आपको कभी कभी होता है ना कि बहुत ही स्ट्रांग स्मेल कभी कभी आपने सूंघ ली और सिर दुखने लग गया, सिर हेडेक होने लग गया बहुत ज्यादा, होता है ना कभी कभी, तो सोचिए उसमें कितने सारे VOCs होंगे कि हेडेक होना शुरू हो गया। VOCs ना सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं, बिकॉज VOCs हवा में होते हैं और ये PM2.5 से भी ज्यादा छोटे होते हैं, ये PM2.5 से भी ज्यादा छोटे होते हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू सी देम, ठीक है। और इन सब चीजों से सबसे ज्यादा नुकसान में पता है कौन लोग हैं? बच्चे, अनबॉर्न बेबीज, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज जो होती हैं, उनके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है बच्चे के, उसी के साथ साथ जिनको अस्थमा है, जिनको एलर्जीज, रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इन सभी तरीके के लोगों को ज्यादा अवेयर, ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट के अंदर रखना जरूरी है। तो क्या ये लोग मेरे टारगेट कस्टमर बन सकते हैं इस प्रोडक्ट? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करिए कि अगर ये सभी लोगों को ज्यादा कंसर्न्ड होने की जरूरत है तो क्या ये सभी लोग मेरे इस प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर बन सकते हैं, जिनके घर पे बच्चे हैं, जिनके घर में प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, जिनके घर में एल्डरली लोग रहते हैं, 60 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, जिनके घर में ऐसे लोग रहते हैं जिनके जो अस्थमा और या फिर एलर्जीज के शिकार है,
जिनके घर में ऐसे लोग रहते हैं जिनको लंग्स की या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे मेरे टारगेट कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है जी। सो हाउ डू वी टेक केयर ऑफ द एयर वी ब्रीद इनसाइड, जो हम अंदर हवा सांस में लेते हैं उसका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ एयर इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि हम जानते हैं हवा की क्वालिटी ही आपकी लाइफ की क्वालिटी है। अगर हवा की क्वालिटी कमजोर होगी तो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि 100% ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना बॉडी को। ऑक्सीजन के साथ पोल्यूटेंट्स भी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो चीज को मेंटेन करने के लिए आपको एयर की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। सो इंट्रोड्यूसिंग इन फ्रंट ऑफ यू एटमोसन मिनी। आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों के घरों में एटमोसन मिनी पहले से होगा, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो इसको हम परचेस कर सकते हैं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आपका कस्टमर घर पे आता है ना, उसको जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करके नहीं दिखाओगे तब तक उसको बिलीव कैसे होगा उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करवाने के लिए आपके घर पे प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर मैं एटमोसफेयर मिनी के बारे में बात करता हूं, बनता ये यूएसए के अंदर है, बनता ये यूएसए के अंदर है, बट इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंगली बनता है। इंडिया के अंदर ज्यादा पोल्यूशन है ना यूएस से, अगर मैं इंडिया के अंदर ज्यादा पोल्यूशन है तो इंडिया की जरूरतों के हिसाब से ही बनाना चाहिए इस प्रोडक्ट को। यस, सो बनता यूएसए के अंदर है बट इंडिया की जरूरतों के हिसाब से। हेपा फिल्टर है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हेपा से भी बेटर फिल्टर है। हेपा फिल्टर क्या होता है? हेपा फिल्टर का मतलब है कि ऐसा फिल्टर जो कि आपके 0.3 पार्टिकल्स तक को भी रिमूव कर सकता है। हम तो PM 2.5 की बात कर रहे थे ना, उसको अगर और नीचे, उसके और पतले पार्टिकल के बारे में बात करें तो PM 2 से नीचे के पार्टिकल्स, अगर मैं 0.3 के बारे में बात करता हूँ, माइक्रॉन्स, 0.3 माइक्रॉन्स के पार्टिकल्स के बारे में, इतने पतले, इतने छोटे पार्टिकल के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ऐसे पार्टिकल को हेपा फिल्टर क्लियर करता है। सो मार्केट के ना स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अगर एक फिल्टर हेपा फिल्टर है तो वो अच्छी क्वालिटी का फिल्टर है, अगर एक फिल्टर हेपा फिल्टर है तो वो एक अच्छी क्वालिटी का फिल्टर माना जाता है। बट हमारे वाला क्या है? हमारे वाला है बेटर देन हेपा, हेपा से भी ज्यादा बेटर फिल्टर है हमारा। हेपा की फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर। तो हेपा फिल्टर से भी ज्यादा बेटर क्वालिटी का हमारा फिल्टर है, जो कि स्पेसिफिकली अगर हेपा की बात करते हैं तो हेपा 0.3 तक पार्टिकल्स को साफ कर सकता है, जो कि 99.93% क्लियर होता है पार्टिकल, सॉरी 99.97% पार्टिकल्स क्लियर करता है हवा से। बट अगर मैं हेपा फिल्टर से बेटर की बात करता हूं, फिल्टर है वो 0.0024 माइक्रॉन्स तक क्लियर करता है, इतने छोटे पार्टिकल तक रिपेयर, इतने छोटे पार्टिकल्स तक रिमूव करता है आपकी हवा से। इसका मतलब है 99.99% सिंगल पास एफिशिएंसी है, मतलब एक ही बार में ये सारी हवा को साफ कर देता है, एक ही बार में। ये है इसकी क्वालिटी। ठीक है जी, सो आपको पता है 0.0024 कितना छोटा होता है। अगर मैं PM 2.5 के साइज की बात करता हूं तो अगर ब्लू व्हेल मान के चलो, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है ब्लू व्हेल, ठीक है। अगर ब्लू व्हेल PM 2.5 जितनी बड़ी है, और ब्लू व्हेल पता है कितनी बड़ी होती है? 5 हाथियों, 4-5 हाथियों जितनी बड़ी होती है ब्लू व्हेल,
बड़ी वाली ब्लू वेल इतनी बड़ी हो सकती है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अगर एक ब्लू वेल का साइज पीएम 2.5 जितना है, तो आपका 0.0024 माइक्रॉन्स पता है कितना छोटा होगा, आपकी एक सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल टैबलेट जितना। So, इतना छोटा पार्टिकल भी रिमूव कर सकता है आपका एटमॉस्फेयर में। सो बॉडी के अंदर नुकसान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी रहेगी। तो आप देखिए यहां पे जरा ऐसे ऐसे पार्टिकल्स को रिमूव करता है पीएम। क्या मेरी आवाज आप सब तक ठीक तरीके से पहुंच रही है? आप मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं। ओके वंडरफुल। सो आई थिंक देयर वाज सम कनेक्टिविटी एरर, इंटरनेट कनेक्टिविटी लूज हो गई थी। सो आई थिंक अभी मेरी आवाज ठीक तरीके से आप सब तक पहुंच रही होगी, राइट सर? सो बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि पीएम 2.5 जो सॉरी 0.3 माइक्रोन जो होता है ना, वो पता है कितना बड़ा है 0.0024 से? 125 गुना बड़ा है वो, 125 गुना। और हेपा फिल्टर सिर्फ 0.3 पार्टिकल्स तक रिमूव कर सकता है, उससे छोटे पार्टिकल्स रिमूव नहीं कर सकता। तो अगर मैं कह के चलता हूं आपको, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो कौन कितने साइज का होता है? 0.2 साइज का होता है। कोरोना वायरस जो कि SARS वायरस है, ठीक है, जो पुराना वाला कोरोना वायरस है जो हवा में भी हो सकता है, ठीक है, वो कितना छोटा होता है? 0.1। स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है वो कितना छोटा होता है? 0.1। ठीक है, बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो कितना छोटा होता है? 0.09। एंड कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम नॉर्मली हो जाता है हमें, उसका वायरस कितना छोटा होता है? 0.02। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हेपा फिल्टर इसको साफ कर पाएगा? इन सभी वायरसेस को हेपा फिल्टर साफ कर पाएगा? आप मुझे हाँ या ना आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, बट अगर मैं 0.3 से छोटे पार्टिकल्स की बात करता हूं, उनको साफ करने का काम हमारा वाला करता है, हमारा वाला एटमॉस्फेयर मिनी करता है, क्योंकि वो 0.0024 माइक्रोन्स तक साफ कर सकता है। तो 0.0024 से तो बहुत ही बड़े हैं ये, बहुत बड़े हैं, इन सबको साफ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट परचेज करके आप सादा सेफ है? मिनी परचेज करके मार्केट में अगर कोई कह रहा है कि हेपा फिल्टर है, आप उसको कह सकते हैं कि हमारे वाला बेटर देन हेपा। जी उसी के साथ साथ 300 प्लस पैथोजेंस एंड पर्टिकुलेट्स को क्लियर करता है आपका एटमॉस्फेयर मिनी, और 15 से भी ज्यादा गैसेस को साफ करता है एटमॉस्फेयर के अंदर से। 300 से ज्यादा पैथोजेंस एंड 15 से ज्यादा गैसेस। देखो यहाँ पे इन्होंने बाइफरकेशन भी दिया है, 95 प्लस एलर्जेंस एंड स्मोक एंड डस्ट, ये सभी तरीके की चीजों को क्लियर सकता है। अगर मैं बात करता हूं कितनी साइज में चलता है ये प्रोडक्ट, तो 200 स्क्वायर फीट का एक रूम है, तो उसको एक घंटे में ये 5 बार साफ करेगा।
241 square feet तक का, 250 square feet तक का एक कमरा है तो उसको एक बार में चार बार साफ करेगा। 325 square feet तक का एक कमरा है तो उसको एक घंटे में तीन बार साफ करेगा। 200 square feet तक बार तक है तो एक घंटे में। तो इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी है। और अगर आप 500 स्क्वायर फीट के से बड़े एरिया में इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसको दो भी एक जगह पे लगा सकते हैं, अलग अलग कॉर्नर्स पे दो लगा सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। ठीक है जी। इसके वो तीन फिल्टर का कॉम्बिनेशन होता है। प्री फिल्टर का मतलब है कि जस्ट अ मिनट, क्या मेरी आवाज ठीक तरीके, वो लाइट हमारी कनेक्टिविटी थोड़ी लूज हो जाती है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। पहला इसका फिल्टर जो इसके अंदर होता है वो है प्री फिल्टर। ठीक है, प्री फिल्टर होता है बेसिकली जो बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करता है, बालों को रिमूव करता, बाल, धूल मिट्टी, जो हम चीजें देख सकते हैं, बाल हो गए, धूल मिट्टी हो गई, जो चीजें हम देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, है ना, ऐसी चीजों को प्री फिल्टर रिमूव करता है। सबसे पहले वाला फिल्टर बिगर पार्टिकल्स। दूसरा जो फिल्टर होता है वो होता है पर्टिकुलेट फिल्टर, ऐसी चीजें जो दिखनी बंद हो जाती है, PM2.5 बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसी चीजें जो छोटी होती हैं, PM2.5 जितनी छोटी होती हैं, ऐसी चीजों को दूसरा फिल्टर रिमूव करता है, पर्टिकुलेट फिल्टर। ठीक है जी। और तीसरा फिल्टर जो इसका हीरो फिल्टर है वो ऐसे पार्टिकल्स को रिमूव करता है जो VOCs जैसे गैसेस होती हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टॉक्सिक गैसेस, ऐसी चीजों को, ओडोर्स, ठीक है, स्मेल किसी चीज की, ऐसी चीजों को पकड़ने का काम करता है, जिसको हम कार्बन फिल्टर कहते हैं। कार्बन फिल्टर, तो इसके अंदर इतना कार्बन डाला हुआ है जिससे 44 फुटबॉल फील्ड्स कवर हो सकती हैं, 3,23,000 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो सकता है इसके अंदर, इतना ज्यादा कार्बन कंटेंट है। ठीक है जी। So, इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड कार्बन है इसके अंदर कि इतनी बेहतरीन क्वालिटी, जब इसको फिल्टर को आप शेक करते हैं ना तो अंदर कार्बन पता चलता है, इसके अंदर कार्बन है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, सो ट्रस्ट सर्टिफाइड, वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप ना ये वेबसाइट्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, जैसे कि यूके एलर्जी हो गया, AHAM हो गया, ECARF हो गया, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्लेम्स करती हैं कि एटमॉस्फेयर मिनी जो है टॉप प्रोडक्ट है एयर प्योरिफिकेशन कैटेगरी के अंदर, राइट। सो इन कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, we are listed on these website, these इन्होंने approval दिया है हमें कि this is the one of the best products in the market। so beyond simplicity, अगर मैं बात करता हूँ इसकी functionality के बारे में बात करता हूँ, इसकी जो पहली light है, ठीक है, इसकी जो पहली light है, ये वाली light, ये होती है आपके filter monitor, फिल्टर मॉनिटर। ठीक है कि फिल्टर मॉनिटर क्या है कि इसकी जब ग्रीन लाइट है ना, इसका मतलब है फिल्टर अभी चलेगा आपका। ठीक है, इसकी अगर ऑरेंज लाइट है तो इसका मतलब 14 से 15 दिनों के अंदर आपको इसका फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, और अगर इसकी रेड लाइट है तो इसका मतलब है आपको इसका फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, अब खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। जो इसकी सेकेंड लाइट है, ये वाली लाइट, ये है आपकी एयर क्वालिटी मॉनिटर की लाइट, ये आपको बताती है कि बेसिकली कमरे के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा है, मतलब एयर पोल्यूशन कैसा है। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि सेफ है, ऑरेंज है तो मतलब पोल्यूटेंट्स है अभी भी, और अगर रेड है तो मतलब कि डेंजरस सिचुएशन है। ये जो बटन है इसका, ये वाला,
ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए, एक बार दबाएंगे तो एक की स्पीड पे जाएगा, दो बार दबाएंगे तो दूसरी स्पीड पे, तीसरे बार दबाएंगे तीसरे स्पीड पे, चौथी बार दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक मोड पे चला जाएगा, और पांचवी बार दबाएंगे तो ये नाइट मोड पे चला जाएगा, और फिर छठी बार दबाएंगे तो फिर से ये आपके ये वाले स्पीड वन पे आ जाएगा। तो ऐसे करके ये घूमता रहता है, ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी। नाइट मोड मतलब कि रात को आप चलाइए इसको, एक की स्पीड पे चलेगा, बिल्कुल आवाज नहीं करेगा, और प्रोडक्ट के ऊपर सारी लाइट्स जो है हमारी वो सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी, ठीक है जी। सो ये लास्ट बटन जो है ये ऑन ऑफ का बटन है, इसके साथ हम वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे इस प्रोडक्ट को ब्लूटूथ के साथ और वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, ये लाइट ब्लिंक करती रहती है, ब्लू कलर की लाइट होती है, ब्लिंक करती रहती है, इसका मतलब है ये ब्लूटूथ कनेक्शन ढूंढ रही है अपने आसपास। जब आप अपने फोन के अंदर एटमॉस्फेयर कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और इस एटमॉस्फेयर मिनी को उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो ये लाइट स्टेबल हो जाएगी और ये लाइट हो जाएगी व्हाइट कलर की। देखो यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइट है ना, इसका मतलब है कि ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है। सॉरी, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट स्टेबल हो जाएगी। जब ये ब्लू कलर की लाइट स्टेबल हो गई तो इसका मतलब है अब ये वाईफाई कनेक्शंस को ढूंढ रही है, ये वाईफाई कनेक्शंस को ढूंढ रही है। तो जब आप अपने घर के वाईफाई के साथ इसको फोन के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी, तो फिर आपकी एक व्हाइट लाइट हो जाएगी एंड कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन के साथ एटमॉस्फेयर मिनी। एटमॉस्फेयर कनेक्ट आपको जो है वो एप्लीकेशन इसकी लॉन्च करनी है जो कि इसके साथ कनेक्ट हो सकती है। सो इट इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्रोडक्ट, सिर्फ 5 किलो का प्रोडक्ट है, एक कमरे से दूसरे कमरे तक आप कैरी कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। और ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, इसका जो डिटेक्टर होता है, अगर इसकी प्रोडक्ट के ऊपर इसकी लाइट ग्रीन है ना, कि मतलब कमरे के अंदर एटमोसफेयर सेफ है, अगर आप प्रोडक्ट के सामने से गुजरोगे ना तो साथ के साथ लाइट ऑरेंज हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही आप सामने से गुजरे जो जमीन के ऊपर आपके कपड़ों के ऊपर पोल्यूटेंट्स थे, बैक्टीरियाज वायरसेस थे, वो हवा में आए और इस प्रोडक्ट ने एकदम से उसको कैच कर लिया। इतना ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट है ये, ठीक है जी। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, बिजली भी बहुत कम खाता, सिर्फ 38 वॉट्स एक दिन में मैक्सिमम स्पीड पे, पूरे दिन अगर चला के रखेंगे ना उसको आप, सिर्फ 38 वॉट्स खाता है मैक्सिमम स्पीड पे। और अगर आपका आपके घर पे छोटा फ्रिज है तो छोटा फ्रिज भी 100 से 120 वॉट तक एक दिन में खा जाता है बिजली, बट आपका ये प्रोडक्ट लगातार अगर हाई स्पीड पे आप चलाएंगे तो सिर्फ 38 वॉट्स तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, ठीक है जी। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, एटमॉस्फेयर कनेक्ट आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन के ऊपर, अगर आपके पास एटमॉस्फेयर मिनी प्रोडक्ट है, राइट। सो इसके इस एप्लीकेशन से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, नाइट मोड, ऑटोमेटिक मोड ऑन कर सकते हैं, कमरे के अंदर का जो एयर क्वालिटी है वो चेक कर सकते हैं क्या है, ठीक है जी। एंड उसी के साथ साथ ऑन ऑफ भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को अपने फोन से ही, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और आप दूर बैठे हैं। सपोज आपके आपका प्रोडक्ट आपके घर पे है और आप ऑफिस में बैठे हैं, तो ऑफिस में बैठे बैठे आप अपने फोन से अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ठीक है जी। सॉरी। सो इस तरीके से ये प्रोडक्ट कंट्रोल हो सकता है, और उसी के साथ साथ 3 साल की वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट के ऊपर, आप 3 ईयर्स की वारंटी, 3 साल के अंदर अंदर कुछ भी होता है प्रोडक्ट को तो आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है जी। और डेफिनेटली स्टोर्स पे जाके आप क्लेम कर सकते हैं इस चीज को, राइट। सो अगर आपका किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हो, मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देता हूं।